हेलो एवरीवन, सो आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ एग्ज़ाम्स के बारे में कि जो सीटेट है वो एग्ज़ाम किस लिए लिया जाता है। सीटेट बेसिकली, सीटेट का मतलब क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो है सीटेट, तो ये किस लिए है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर स्कूल्स आते हैं तो वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि KVS। तो लेकिन क्या है कि सीटेट करने के बाद आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती, आपको KVS का या जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ का आपको एग्ज़ाम और इंटरव्यू क्लियर करनी होती है। उसी तरह से अगर आप अपने स्टेट में लेना चाहते हो, अगर एग्ज़ाम करना चाहते हो, स्टेट में जॉब लेना चाहते हो, तो उसके लिए जो है स्टेट के एग्ज़ाम्स भी हेल्ड किए जाते हैं, जैसे कि यूपी टेट हो गया। तो सारी स्टेट्स के अपने एग्जाम होते हैं, स्टेट हो गया, तो वो एग्जाम्स लेने होते हैं। लेकिन अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको वो एग्ज़ाम अब क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह से जो DSSS भी है वो क्या है, वो दिल्ली सबॉर्डिनेट बोर्ड है, उसके अंडर जो है स्कूल्स आते हैं और वो जॉब वैकेंसीज निकालते हैं। अलग अलग फील्ड्स की जो है जॉब्स होती है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और उस सब के लिए जो है अपना एक पेपर क्लियर करना होता है। तो आपका सबके लिए, और अभी जो है 2023 में 16,000 वैकेंसीज के निकलने की पूरी पूरी आशा है। तो जो DSSSB दिल्ली बोर्ड है, इसके अंडर जो है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स आते हैं, ये एक गवर्नमेंट जॉब के लिए हैं, और म्यूनसिपल कमेटी के स्कूल्स आते हैं। इस तरह से ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आगे फर्दर जो इस पे वैकेंसीज निकलती हैं वो किस लिए निकलती हैं, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो वैकेंसीज हैं वो किस किस के लिए निकलती हैं। तो जो टीचिंग में वैकेंसीज निकलती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्री प्राइमरी के लिए, नर्सरी टीचर के लिए। तो नर्सरी टीचर के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? नर्सरी टीचर के लिए आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी होता है, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड केयर या NTT हो, प्री प्राइमरी टीचर का कोई भी डिप्लोमा हो तो आपको वो कंपलसरी है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं PRT पे। तो PRT के लिए क्या हमें चाहिए? PRT के लिए जो नर्सरी टीचर है उसके लिए आपको सीटेट की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आपका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। लेकिन आगे हम PRT पे आते हैं। PRT में आपको पेपर 1 सीटेट का क्वालिफाई अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही आपके पास जो है डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, BEd जो है कंपलसरी है। और उसके बाद आपका आता है TGT। TGT के लिए भी सेम है कि आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी कंपलसरी है, और साथ में जो है सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई होना जरूरी है। और थर्ड आपका आता है PGT। तो PGT के लिए क्या है, PGT के लिए आपके पास डिग्री होनी जरूरी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने जरूरी है। अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हैं तो आप लोग PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से DSSB बोर्ड वेरियस जो है फील्ड्स के लिए टीचिंग जॉब्स और नॉन टीचिंग जॉब्स जो है निकालते हैं, तो उसके लिए भी एग्जाम होता है। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड है तो वो लोग दिल्ली के लिए जरूर अप्लाई करें। और मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है, कोई भी एग्जाम आप बिना पढ़े नहीं क्वालिफाई कर सकते, तो आप अपनी मेहनत जारी करिए। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोग अपने जो गोल है उसमें जरूर सक्सेसफुल होंगे। सो आई होप कि ये नॉलेज जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रही होगी। तो आप लोगों के पास को पता होना चाहिए कि कौन सा एग्ज़ाम जो है उसे आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए आगे अप्लाई कर सकते हैं। कि जैसे भी KVS तो निकल चुका है, लेकिन आगे सुपर टेट आने वाला है, तो सुपर टेट में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आपको जो ये इंफॉर्मेशन है तो आप सब जो ये चीज़ें हैं नोट डाउन कर लोगे,
और अपनी मेहनत जो है वो जारी रखोगे. सो थैंक यू फॉर टुडे.